माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अर्जुनलाल मीना राजस्थान से, मैं तमाम राजस्थान वासियों से आपका प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अर्जुनलाल जी नमस्ते। अब मेरा सवाल है, कैसे हैं? मेरा हमारा उदयपुर ठीक है जी? एकदम बढ़िया है, पूरे तमाम राजस्थान की जनता आपके साथ है। मेरा बहुत दानों से केसरिया जी श्रीनाथ जी आने का मन कर रहा है, लेकिन समय बन नहीं रहा है। लेकिन बस हो जाओ, कभी वसुंधरा जी, वसुंधरा जी ने बहुत बार आग्रह किया, लेकिन मैं आ नहीं पाया हूँ, क्योंकि पहले तो मैं बांसवाड़ा बहुत आता था जी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब मौका मिल जाए तो, आपके मुख्यमंत्री जी ने मुझे बहुत आग्रह किया है, लेकिन तभी मैं आ जाऊंगा। स्वागत है साहब, केसरिया जी मैं जरूर पधारिए। मेरा सवाल है, किसान कल्याण कार्यशाला का आयोजन राज अभियान का हिस्सा है, इस कार्यशाला में एक भाजपा कार्यकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? वैसे हर काम में भाजपा के कार्यकर्ता की भूमिका होनी ही चाहिए। समाज में जो भी अच्छी चीजें होती हैं, उसमें बीजेपी का कार्यकर्ता जरूरत पड़े तो पहली पंक्ति में, जरूरत पड़े तो आखिरी पंक्ति में, लेकिन वो वहाँ होना ही चाहिए। ये राजनीतिक जीवन अब पहले जैसा नहीं है, अब तो हमें जनता के बीच में ही रहना चाहिए। दूसरी बात, देखिए हमारे देश का जो किसान है, वो आज भी अपने दादा परदादा जिस प्रकार से खेती करते थे वही कर रहा है। वक्त बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, हम उसको भाषण देकर के किसान को बदल नहीं सकते हैं। किसान जो देखता है उसी को मानता है। किसान का क्या नेचर है, अगर पड़ोस वाले ने लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो वो भी बिना समझे लाल डिब्बे वाली दवा ले आएगा और डाल देगा, बगल वाले ने अगर पीला पाउडर डाल दिया तो वो भी पीला पाउडर ले आएगा और डाल देगा। हमारा सबसे बड़ा काम है कि हम किसानों को ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसका उपयोग कैसे कर, कभी तो उसको मालूम ही नहीं है कि भाई उसकी जमीन चने के लिए काम की है कि गेहूं के काम की है, और वो बेचारा सालों से चना बो रहा है जबकि उसकी जमीन गेहूं के लिए ज़्यादा अच्छी है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड से समझ आएगा। दूसरा, हमारे किसान का बहुत पैसा बर्बाद होता है जी। एक तो पानी इतना डाल देता है, उसको समझ ही नहीं है कि भाई हर फसल के लिए इतने पानी की जरूरत नहीं है, और कभी कभी तो उसको लगता है पूरी फसल पानी में लबालब पानी से डूब जाए तभी उसको लगता है फसल अच्छी होगी, और उसके कारण बिजली का खर्चा करता है, पानी डाल देता है, और जितना फायदा मिलना चाहिए मिलता नहीं है। आज स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन है, पौधे के मूल को पानी चाहिए, पत्तियों पर झाड़ने की जरूरत नहीं होती, ये चीजें कैसे आएगी? तो हमें लगातार कार्यशालाएं करनी चाहिए, हो सके तो खेत में ही करनी चाहिए, और जिन प्रोग्रेसिव किसानों ने काम किया है वहां किसानों को ले जाना चाहिए। देखिए, किसान देखने के लिए, जाने के लिए, खर्चा करने के लिए तैयार है, समझने के लिए, दिमाग खपाने के लिए तैयार है, और एक बार उसका विश्वास हो गया तो वो करके रहता है। दूसरा, हमें हमारे किसान के ऊपर जो बोझ है उसके कम करने के तरीके हैं। जैसे मान लीजिए वो अपने खेत के किनारे पर अगर वो जो फर्नीचर के लिए काम आता है, इमारती लकड़ी बोलते हैं जिसको, टिम्बर बोलते हैं, अगर उसकी खेती करता है और सरकार उसको परमिशन देती है, अभी जैसे बांस के लिए हमने कानून बना दिया, आपके यहाँ तो बांसवाड़ा के जंगल हैं, अगर अपने खेत के ही कॉर्नर पर वो बांस उगा देता है तो बांस का बहुत बड़ा व्यापार उसका शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसको हमने सिखा दिया शहद का काम, मधुमक्खी पालन, अगर अपने यहाँ 50 भी अगर पेटी रख लेता है तो साल का 1.5-2 लाख रुपए का अच्छा शहद वो पैदा कर सकता है। मान लीजिए बाजार में कम दाम में बिक रहा है, वो परिवार में अगर खाना भी शुरू करेगा तो भी फायदा होगा। कुछ लोग फिशरीज का काम साथ करते हैं, कुछ लोग पोल्ट्री का काम करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है, हमारा किसान खेत में फसल काटने के बाद जो वेस्ट रहता है उसको जला देता है,
उसको समझाना पड़ेगा ये बहुत उत्तम खाद है, जमीन की सारी ताकत वो जो वेस्ट पड़ा है उसमें पड़ी है, उसको फिर से एक बार जमीन में कैसे डाल दिया जाए तो वो जमीन उसकी हमेशा अच्छी रहेगी। छोटी छोटी चीजें हैं, वे भाषण से नहीं होगी, बार बार किसानों को मिलकर के कार्यशाला करके करेंगे तो होगा। और इसलिए तो मैं चाहूंगा कि हर विधायक अपने यहाँ प्रोग्रेसिव किसान और छोटे किसानों को मिला करके हर 3 महीने में कार्यशाला करें, बैठे बातचीत करें, समस्याओं की चर्चा करें, आप देखिए सुधार बहुत बड़ा होगा और ये काम आसानी से हम कर सकते हैं। हमारे गांव के बच्चे जो एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे पास उनकी सूची होनी चाहिए और जब छुट्टियों में आए तो उन बच्चों को इकट्ठा करना चाहिए और उनको गांवों में ले जाना चाहिए ताकि वो पढ़ करके आए हैं वो बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, अर्जुन लाल जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, एमएसपी का विषय, एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट आ जाए, इस पर दुनिया भर में बयानबाजी चलती थी पर अब कर दिया तो हम बोलते ही नहीं है, तो ये भी हमारा प्रॉब्लम है। काम नहीं होता है तो हमारा विरोधी 1000 बार बोलते हैं, काम हो जाता है तो हमारी जिम्मेवारी हम 10000 बार बोले। अब एमएसपी का इतना बड़ा निर्णय, इतने सालों तक कांग्रेस सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट ऐसे ही कूड़े कचरे में फेंक के रखा हुआ था, कभी किया नहीं उन्होंने। हम आए तो मांग करते रहे, चिल्लाते रहे, जब हमने कर दिया तो न हम लोग बोलते हैं न वो तो बोलना पसंद करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा जो हो रहा है इसको भी बार 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 बोलते रहना चाहिए ताकि किसान उसका फायदा उठाए, ये राजनीतिक प्रचार का काम नहीं है, किसान उसका लाभ उठाए, इसलिए हमने उसको जागरूक करना है।